Assalamu alaikum guys, I am making a cake. First do like this, then like fix this like this. Now fix like this. Okay. Now fix it like this. Oh, you are making fans? Yes. Beautiful. For your animals? Yes. Yes, you can you show us some animals in it? Yes, I can show you. You are detaching that selfie stick, right? Yes. Loudly? Yes. Okay. Come on, kitty. Brush karo. It's gonna be ready? Yes. Oh, wonderful. Basically, no. Do you like this? It's ready. अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? और ये पेंडेंट आपने देखा, ये बच्ची पहनी हुई है माशाल्लाह से। इनको फर्स्ट डे मैंने कुरैशा की चेन सिखाई थी, ये घर ले गई, इन्होंने उसको डन किया और ये नेकलेस बना के पहन के भी आ गए माशाल्लाह, शी इज़ वेरी गुड। और अब ये दूसरे थ्रेड पे थोड़े एडवांस पे मैं इनको करा रही हूँ एंड बहुत अच्छा कर रही है ये माशाल्लाह से। और भी बच्चे हैं इस तरह सीख रहे हैं, स्लो स्लो हमारी एक्टिविटीज़ अच्छी चल रही हैं, कुछ पेंटिंग की, कुछ इसकी, कुछ फैब्रिक पेंटिंग की। अब हम अपकमिंग क्लास में इंशाल्लाह कुकिंग भी करेंगे। और देखें इसके नेकलेस कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा लगता है। लड़कियां कुछ सीख लें, कुछ कर लेती हैं तो मदर्स भी खुश होते हैं, फादर भी, दादा दादी भी खुश हो रहे होते हैं। बड़ा अच्छा रहता है एक्टिविटीज़ करना बच्चियों के साथ। स्पेशली हेयर वी आर पेंटिंग। और ये थोड़ी छोटी हैं, कोई 5.5 साल तक की बच्ची है ये भी बहुत क्यूट है माशाल्लाह से। तो ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे पेंट और मैं इनको गाइड कर रही थी कैसे करना है। बट यकीन जाने सारे बच्चों की नज़र मेरे एक्रेलिक पेंट्स पर है कि ये वाले पोस्टर पेंट्स नहीं करने हैं, वो एक्रेलिक करने हैं। तो खैर बच्चों के शौक अपनी जगह। फिर हम रात को चले गए थे ये सब करने के बाद, एंड दिस इज़ माई फेवरेट प्लेस। और बच्चों की भी थोड़ी रौनक लगी होती है, सारी फूड चेन्स हैं, बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे। और यू नो थोड़ा खापा हो जाता है और मियाँ जी का खर्चा हो जाता है, बहुत इन्जॉय करते हैं हम यहाँ जाकर। मैकडोनल्ड्स है और बर्गर लैब है, सबवे है, मोस्ट फेवरेट तो मेरे बच्चों का मैकडोनल्ड्स और सबवे रहता है। और यहाँ हैजकॉल चले जाते हैं, मीज़े लेकर मज़ा आता है। यहाँ मियाँ जी ने ये सब काट के रखा था, उनको बड़ा शौक हो रहा था कि हम वो भिंडी बनाएंगे। उन्होंने कट करी सारी चीज़ें, बड़ा ब्यूटीफुली कट करी और पता नहीं क्यों मैरिनेट कर रहे थे। मैं मैरिनेट नहीं करती हूँ, डायरेक्ट पकाती हूँ ये भुजिया, बट उनको लग रहा था कि वो कुछ अलग सा कर रहे हैं या कर पाएंगे। तो वो यही लाल पिसी मिर्च, अदरक लहसुन, नमक, कोटी मिर्च, चाट मसाला और लेमन अच्छे से डालकर इन्होंने मैरिनेट करने रख दिया था। फिर उनकी बस हो गई थी, कहने लगे भाई आगे अब तुम खुद ही देख लो मुझे गर्मी लग रही है, मैं जा रहा हूँ, इतना काफ़ी है। तो खैर फिर मैंने कहा अच्छा चले, आपने इतना कर दिया, यही आपका बहुत शुक्रिया। तो खैर वो अपने हिसाब से मैरिनेट करके चले गए थे। देन मैंने अनियन ब्राउन करी, उसमें गोल्डन ब्राउन करके उसमें मैंने टमाटोज और ये वेजीज ऐड कर दी जो इन्होंने कट करी हुई थी, और मैरिनेटेड भिंडी थी इसको मैंने हल्की आग पे छोड़ दिया क्योंकि सब कुछ तो डल चुका था इसमें, वरना मैं इस स्टेज पे डालती सब कुछ। इसमें कैरी भी थी भाई, तो इसको अच्छे से सब मिक्स करके मैंने लिड कवर कर दिया था। हरी मिर्चें भी डाली हुई थी तो कवर करके मैं थोड़ी देर इसको छोड़ दिया। और फिर उसके बाद आकर देखा तो ये सॉफ्ट हो चुकी थी, फिर इसे बहुत अच्छी तरह से भून लिया था मैंने और ये बहुत यमी बनी थी। लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोग कहेंगे यार ये सारे दाल भाजियाँ ही खाती रहती हैं एक्चुअली बीच में एक जगह से दो जगह से पुलाव ये वो बाहर से आउटिंग होती रहती है, KFC फिर चले गए थे तो मैंने कहा अब क्या डालूँ मैं, कि मैकडोनल्ड्स चले गए थे बीच में तो बस वो थोड़ा लेज़ी होता है। कल मैंने निहारी बनाई तो वो भी डालने का, लिटरली उसका तो मैंने बिल्कुल वीडियो ही नहीं बनाई, बिल्कुल डाउन हो रही थी मेरी तबीयत। फिर साथ साथ बच्चों का भी ये चल रहा होता है माशाल्लाह एक्टिविटीज़, एंड यू नो मैं रोना मेरा काम शाम सुबह से जो लगती हूँ ना, मैं लिटरली सुबह से लेटने को नहीं मिलता, लग ही नहीं रहा कि छुट्टियाँ हैं। मैं खुद ऑक्यूपाई कर लेती हूँ अपने आप को क्योंकि अच्छा लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा थक जाना मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ मैं इसको अच्छे से भून कर बहुत इंजॉय कर रहे थे, गर्मियों के खाने हैं एंड हमारे घर गेस्ट आने वाले हैं कुछ ज़्यादा दिन के लिए रहने,
तो वो हैवी हैवी खाने मैं ख़ुद ही नहीं बना रही, अभी शदीद गर्मियाँ हैं। तो ये देखें यार, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर्स को बढ़ाएं, अपने कोलीग्स फ्रेंड्स फैमिली में प्लीज़ बोलें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमें दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।